पर्यटन नगरी मनाली में बीती रात पंजाब के संगरूर जिला से घूमने आए चार पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत चारों पर्यटकों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन जारी है, जिसके बाद कुल्लू जिला की सीमाओं पर नाकेबंदी कर बाहरी राज्यों से आने वाले युवा पर्यटकों की अब नियमित चेकिंग शामिल है। पर्यटन नगरी मनाली में बीती रात पंजाब के संगरूर जिला से घूमने आए चार पर्यटकों ने सड़क पर गाड़ी रोककर डंडों और तलवारें लहराकर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की। ये घटना मनाली पुलिस स्टेशन के 200 मीटर दूरी पर घटित हुई। पंजाब के पर्यटकों ने स्थानीय व्यक्ति के साथ पहले डंडों से मारपीट की, जिसके बाद स्थानीय लोग जब इकट्ठे हुए तो पर्यटक तलवारें निकालकर डराने धमकाने लगे। इसके बाद इस घटना की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों पर्यटकों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पर पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज कर चारों पर्यटकों को गिरफ्तार किया है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पंजाब के संगरूर जिला के चार पर्यटकों ने सड़क पर गाड़ी रोककर स्थानीय लोगों के साथ गाड़ी हटाने के लिए बहसबाजी की, जिसके बाद पंजाब के पर्यटकों ने डंडों और तलवार से स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने चार पर्यटकों को पकड़ा और छानबीन की गई। उन्होंने कहा कि चार पर्यटकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। एसपी कुल्लू ने कहा कि पुलिस द्वारा जिला की सीमाओं पर नाकाबंदी कर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की चेकिंग की जाएगी। इसमें जो पंजाब के ये टूरिस्ट थे, ये पांच लोग थे और एक बड़ी गाड़ी में आए थे, तो इन्होंने गलत गाड़ी को जो है सड़क पे पार्क कर दिया, जिसकी वजह से जाम लग गया था। और जब जाम लगा तो लोकल जो वहाँ पे लोग थे तो उन्होंने इनको गाड़ी को पीछे करने को कहा, जिसको लेकर के इनके आपस में बहस होगी और बहस होने के बाद हाथापाई हो गई। और उसके बाद जो थे ये पंजाब के जो लड़के थे, तो इन्होंने इनके पास एक लड़के के पास तलवार थी, तो तलवार भी इसने निकाल ली थी। उसके बाद इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तो पुलिस ने जो है इन जो चार लड़के बाहर निकले थे इनको राउंड अप कर लिया और इनके खिलाफ जो है पुलिस ने रायटिंग और आर्म्स एक्ट के तहत मनाली थाने में एफआईआर दर्ज की है और इन चार लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिन जो कि संगरूर जिले के रहने वाले हैं। इनके नाम रसविंदर, दलबीर, अमनदीप और जसराज है। और जो गाड़ी वाला एक लड़का था वो अभी तक वो गाड़ी लेकर के वहाँ से स्पॉट से निकल गया था, तो उसकी पुलिस जो है तलाश कर रही है। इन्होंने एक डंडा था, एक तलवार है फिलहाल, तो वो पुलिस ने बरामद कर लिया है, ताकि जो है तलवार या दूसरे हथियार लेकर के कोई हमारे यहाँ शाम एंटर ना करे। कम से कम तीन या चार लोग लगाए जाएंगे और वेपन्स के साथ होंगे वो, और हम केवल वही गाड़ियाँ चेक करेंगे जिसमें यंगस्टर्स बैठे होंगे। हमारा जो एंट्रेंस है बजोरा में, वहाँ पे हमने अभी नाका लगा दिया है और वहाँ पे जितने भी हमने उनको डायरेक्शन दिए, जो भी जिन गाड़ियों में केवल यंगस्टर्स हैं, 20-25 साल के लड़के हैं, उन गाड़ियों को प्रॉपरली चेक किया जाएगा, ताकि इस तरह के जो है तलवार या दूसरे हथियार लेकर के कोई हमारे यहाँ शाम एंटर ना करे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।